लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं तीन लैपटॉप, जी हाँ तीन लैपटॉप, जिसमें से एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च लैपटॉप है एचपी के। एचपी ने i3 के अंदर 13 जनरेशन लॉन्च किया है और सबसे बड़ी बात है तीन कलर्स के अंदर लॉन्च किया है। तो आज हमारे पास दो लैपटॉप तो आ गए हैं, उनमें से हम एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको आपको फिजिकल ओपन करके भी दिखाएंगे, उसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे, उसमें क्या क्या अपग्रेड होगा सब कुछ दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एचपी के जो लैपटॉप कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों एक मॉडल है FD0006 और FD0018 और 0019। तो अभी हमारे पास 0006 और 0019 है। जो 0006 है वो नेचुरल सिल्वर कलर में है, 0018 ब्लू कलर में आएगा और मूनलाइट ब्लू, और जो हमारा 0019 है वो है डायमंड व्हाइट के साथ। तो दोस्तों बहुत हम सिल्वर कलर की अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, आज हम करेंगे डायमंड व्हाइट की अनबॉक्सिंग और लैपटॉप को फिजिकली ओपन भी करेंगे। देखते हैं एचपी ने क्या नया दिया है अपनी इस 15S सीरीज के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है, सबसे पहले देखते हैं 65 वाट का अडैप्टर जो हर लैपटॉप के साथ मिलता है हमें, प्रीमियम पावर कोर्ड, फिर उसकी पैकिंग हो गई और ये है हमारा व्हाइट कलर। बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूं व्हाइट कलर के अंदर लैपटॉप। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप एचपी ने काफी डिफरेंट करने की कोशिश करी है। जो अभी तक लैपटॉप आते थे 15S में 11th और 12th जनरेशन तक, इसमें काफी डिफरेंस है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा तो बहुत बेटर कर चुकी है एचपी अपनी बिल्ड क्वालिटी को, इसके अंदर और बेटर किया है। लोअर केस की अगर हम बात करें, हमने पहले भी Ryzen 3 देखा था जो FC0025 था, उसमें भी बैक पैनल बिल्कुल चेंज कर दिया है, सेम बैक पैनल है फाइबर बॉडी में ही, इसके अंदर कलर चेंज हुआ है, ये हमारा डायमंड व्हाइट है। और मैं आपको बता दूं जो इसमें सी पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये हमारा सिल्वर ही है। अगर मैं इस पे वर्क कर रहा हूं तो मुझे ये सिल्वर कलर ही फील हो रहा है, वो बात अलग है कि बैक से हमारा व्हाइट है ये। अच्छा कईयों को अजीब लगता है, थोड़ा बहुत मुझे भी अजीब सा लगा था, लेकिन अगर मैं कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं तो यहां पे अगर व्हाइट कलर होता है तो वो काफी गंदा हो जाता है। जब हम यहाँ पे हाथ रख के काम करते हैं तो यहाँ पे काफी, मैंने देखा है जो पहले आते थे डेल के भी व्हाइट कलर में, एचपी के भी आते थे, तो वो काफी गंदा हो जाता था। इसीलिए मेरे ख्याल से एचपी ने इस पार्ट को, सी पार्ट को सिल्वर रखा है। देखिए अगर हम कीबोर्ड देखेंगे तो कीबोर्ड भी चेंज है। चलिए दोस्तों पहले हम देखते हैं इसके पोर्ट्स, फिर हम इसकी देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर हम पोर्ट्स देखेंगे तो दो पोर्ट्स दे रखे हैं सिर्फ। पहला पोर्ट है आपका चार्जिंग का, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, और दूसरा है यूएसबी सुपर स्पीड। लैपटॉप के राइट साइड में हम देखते हैं तो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है यूएसबी सेम सुपर स्पीड में, दूसरा एचडीएमआई 1.4 आपको दिखाई देगा आपके प्रोजेक्टर और एलईडी टीवी कनेक्ट करने के लिए। आपका टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है, एक मिलता है 3.5mm का ऑडियो जैक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें एचपी ने 13 जनरेशन इंटेल कोर i3 दिया है 1315U प्रोसेसर। बेस स्पीड की बात करेंगे तो 1.2 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस स्पीड है और टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ की बूस्ट अप होके जाता है 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक। 6 कोर फिजिकल 6 कोर दे रखे हैं और थ्रेड्स की बात करेंगे लॉजिकल प्रोसेसर की तो वो 8 है। अगर हम कोर की बात करेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस कोर जो है वो सिर्फ 2 है और एफिशिएंट कोर है वो 4। तो जो परफॉर्मेंस कोर की जो बूस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 4.5 और एफिशिएंट कोर की जो मैक्सिमम बूस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो आपको मिलती है 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक। L3 कैशे की बात करेंगे तो 10MB का L3 कैशे आपको मिलता है इसमें। मेमोरी 8GB की इसमें रैम है, 3200MHz की इसमें आपको रैम मिल रही है और 2 स्लॉट्स आपको दिखा रखे हैं, उसमें से एक यूज्ड है। लैपटॉप को बैक पैनल ओपन करके देखते हैं कि ऑन बोर्ड है या आपके पास ऑप्शन है उसको अपग्रेड करने के लिए। डिस्क की बात करेंगे, इंटेल की SSD लगी हुई है 512GB की। वाईफाई इसमें आपको मिलता है Wi-Fi 6AX। देखिए कभी टाइम था कि Wi-Fi 6AX सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स में आता था जिसमें आपको स्पीड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन HP ने अपने 415S लैपटॉप के अंदर भी आपको
वाईफाई 6AX दे दिया है, जो एक बहुत बेहतरीन मैं कदम कहूंगा एचपी का, और साथ में देता है ब्लूटूथ 5.3 जीपीयू। देखिए इंटेल के प्रोसेसर में हमेशा हमें जीपीयू इसी टाइप से देखने को मिलता है, यूएसडी ग्राफिक्स, इंटेल आईरिस एक्सिस में आपको नहीं मिलेगा, इंटेल बहुत बेसिक यूएसडी ग्राफिक्स मिलता है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1.25 गीगाहर्ट्ज़ होती है। शेयर्ड ग्राफिक्स है, इंटेल के प्रोसेसर में अपना कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी ग्राफिक्स नहीं होता है, शेयर्ड है 3.8 GB, ये आपको इसका ग्राफिक्स मिलता है। स्क्रीन की बात करेंगे तो एचपी इसमें 15.6 इंची की फुल एचडी स्क्रीन आपको देता है। निट्स की बात करेंगे 250 निट्स और 45% एनटीएसी के साथ आपको मिलती है और तीन साइड नैरो बेजल के साथ आपको इसकी स्क्रीन मिलती है। हम बात करते हैं इसके कैमरे की, आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का फुल एचडी कैमरा मिलता है डुअल माइक के साथ। और अगर हम देखेंगे तो एचपी ने 15S में अपने कैमरे में प्राइवेसी शटर भी दिया है, आप अपने कैमरे को हमेशा ऑफ करके रखिएगा शटर लगा के, जब भी आपने यूज कराया तब ही आप इसे ओपन करिए, अगर आपका लैपटॉप हैक भी हो जाएगा तो कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपको नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों समय आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का, तो चलिए लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं। दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एचपी ने इसके अंदर जो रबड़ थी उसके नीचे स्क्रूज नहीं दिए हैं, जैसे पहले लैपटॉप्स के अंदर आता था 15S में रबड़ के नीचे भी स्क्रूज होते थे, इसमें नहीं है, तो सिर्फ 4 स्क्रू आप खोलेंगे तो आपका बैक पैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लैपटॉप ओपन हो गया है, देखते हैं ये हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पे जो दिख रहा है, और यहाँ बात करेंगे ये प्रोसेसर है और प्रोसेसर कनेक्टेड है फैन से, अपना हीट सिंक जा रहा है जिससे यहाँ पे फैन आपका कनेक्ट हो जाता है। हम एसएसडी की बात करेंगे तो इंटेल की एसएसडी यहाँ पे लगी हुई है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे रैम के स्लॉट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी एक रैम लगी हुई है 8 GB की, और यहाँ एक स्लॉट्स आपको खाली है, यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। बात करेंगे बैटरी की तो ये बैटरी है 3 सेल की बैटरी है 41 वॉट आवर्स की। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 घंटे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहां आपके स्पीकर लगे हुए हैं, 2 स्पीकर आपको मिलते हैं, यहां पे एक स्लॉट अभी आपका खाली है, और ये आपका वाईफाई है, वाईफाई जो हमने देखा था 6AX जो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम अपग्रेड हो पाते हैं क्योंकि सपोर्टेबल नहीं होते। तो हम ये देखिए हमने पूरा मदरबोर्ड, अब बात करेंगे अपग्रेडेशन की, तो यहां पे आप इजिली रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, रैम आपकी अपग्रेड हो सकती है, आप 32 GB तक भी आप इस रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, i3-1315 इसको सपोर्ट करता है, और आप SSD को भी अपग्रेड कर सकते हैं, 2 TB तक आप अपग्रेड कर पाएंगे, लेकिन रिकमेंडेड होती है आप 1 TB तक अपग्रेड करिए, बहुत ज्यादा है, इन फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप जा सकते हैं, बाकी और कुछ आप इसमें अपग्रेड नहीं कर सकते हैं और अपग्रेड हो भी नहीं पाता। तो दोस्तों आज हमने ओपन किया एचपी का i3 13th generation लैपटॉप। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था 3 मॉडल एचपी ने इसमें लॉन्च किए हैं, 3 अलग अलग कलर, नेचुरल सिल्वर, मूनलाइट ब्लू और डायमंड व्हाइट। तो आज हमने अनबॉक्स किया था डायमंड व्हाइट को, जो 0019 TU है, और जो 1918 TU है वो ब्लू है, और 0006 है वो नेचुरल सिल्वर। अगर जैसे इस एंगल से अगर आप अभी देख रहे होंगे तो आपको एक बार ये फील नेचुरल सिल्वर कलर ही फील होगा, क्योंकि उन्होंने एचपी ने सी पार्ट जो दिया है वो सिल्वर कलर में ही दिया है जिससे डस्ट ना हो। तो बात करते हैं लैपटॉप की, देखिए लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है एचपी ने काफी इंक्रीज करी है अपनी इस सीरीज के अंदर 13th generation में, FD सीरीज के अंदर। कीबोर्ड की बात करें तो एचपी ने जो कस्टमर फीडबैक था उसको भी कैटर किया है, और मैं आपको बता दूं कि पहले ना बहुत कंप्लेन होती थी, काफी लोग फीडबैक देते थे कि हमें सिल्वर कलर का कीबोर्ड है और सिल्वर से लिखा हुआ है तो उसमें पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो एचपी ने पीछे FD 0025-28 में भी कीबोर्ड चेंज कर दिया था। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो कीबोर्ड चेंज है, और आपकी जो ये कीज है वो इजीली विजिबल है, आप इजीली उसको देख सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं। कीबोर्ड में भी चेंज करे हैं एचपी ने काफी, जिसमें मैं आपको बताऊं इमोजी बटन इसमें डाला है, म्यूट बटन भी डाला है एचपी ने अपने, अगर आप देखेंगे तो F8 के ऊपर माइक म्यूट करने के लिए भी बटन है, क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, प्रेजेंटेशन काफी ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में ध्यान रखते हुए एचपी ने इसके अंदर माइक म्यूट बटन डाला है। एचपी ने 15S सीरीज के अंदर शटर भी लेके आए हैं प्राइवेसी शटर के लिए, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि काफी लोगों का फीडबैक रहता था कि आप हमें
इसमें, क्योंकि वो शटर लगा के दीजिए। मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो एक छोटी सी व्हाइट स्लिप लगा के रखते हैं कि अगर आप लैपटॉप हैक हो जाए तो कोई भी आपके बिना परमिशन के ना देख सके। देखिए ओवरऑल मैं कहूंगा कि एचपी ने बहुत अच्छा अपनी 15S सीरीज के अंदर लैपटॉप को लॉन्च किया है। बात करेंगे इसकी वर्किंग की, तो देखिए आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, आप पावर पॉइंट के साथ फोटोशॉप, कलर ड्रॉ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड काफी स्लो रहेगी। इसके अंदर जैसे हमने देखा 45% NTSC है, तो आपके कलर की क्लैरिटी काफी हद तक क्लियर नहीं आ पाएगी। अकाउंटिंग पर्पज से आपको लेना है तो आप इसमें कर सकते हैं, आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आपने कोडिंग भी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, C++, जावा वगैरह आप ये सब इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर ग्राफिक्स नहीं है, तो आप इसके अंदर हैवी गेमिंग्स नहीं कर पाएंगे, आप 4K एडिटिंग वगैरह आप इसमें नहीं कर पाएंगे, उसकी डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की, तो एचपी ने इस लैपटॉप को 50,000 के प्राइस बैंड पे लॉन्च किया है। एमआरपी इसकी 55,000 के अप्रॉक्स है। मार्केट में आपको ये 2,000 रुपए डिस्काउंट पे मिल जाएगा। HP वर्ल्ड पे ये लैपटॉप मैंने देखा आ चुके हैं, आप कहीं भी जाके HP वर्ल्ड पे आप इसको ले सकते हैं। HP इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी दे रहा है, और अगर एक्सटेंड कराना चाहें तो आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जब आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे तो वहां पे आप जाके आप डिस्कस करिएगा, वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जो भी ऑफर होगी वो आपको जरूर बता देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए आपके सजेशन से ही हम कोशिश करते हैं हर वीडियो को अपडेट करते रहें। जैसा भी होगा हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर आने वाले नए लैपटॉप के जो लैपटॉप लॉन्च हो जाता है हम उसकी वीडियो आपके साथ सामने लेके आए, उसको अनबॉक्स करें और उसको आपको अपडेट करके भी बताएं, बैक पैनल वगैरह सब कुछ ओपन करके बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।